सरगुजा के संत गहीरा गुरु यूनिवर्सिटी के कुलपति रोहिणी प्रसाद हा पर्यावरण ला बचाए मा सार्थक पहल करत हुए कॉलेज के प्राचार्य मन ला निर्देशित करिस हे कि ए बच्छर जतका भी छात्र छात्रा मन के एडमिशन होही ओ सब्बो ला हर बच्छर एक एक पेड़ लगाए ला पढ़ी और ओकर देखभाल करे ला पढ़ी। वह बताइस के लगातार होत पेड़ के कटाई और सरगुजा में गिरते पेड़ मन के संख्या भविष्य भर खतरनाक है। संगे संग पेड़ के कारण मौसम तापमान में गड़बड़ी स्पष्ट रूप से देखे जा सकत है। उचित पर्यावरण के बिना मानव जीवन असंभव है। दुनिया में एनवायरनमेंट का जो डिग्रेडेशन है क्षरण है बहुत तेज़ी से हो रहा है और बिना पर्यावरण के मानव जीवन असंभव है। तो ये जागरूकता छात्रों के बीच में लाने के लिए मेरे मन में आया और मैंने ये प्रयास कर रहा हूँ और पत्र भी मैंने सभी प्राचार्यों को मैंने लिखा है कि जो भी प्रवेश छात्र बच्चे कॉलेजों में लेते हैं प्रत्येक छात्र प्रतिवर्ष एक पेड़ को लगाए एक पौधा लगाए और जब तक वो महाविद्यालय में है वो चाहे महाविद्यालय में लगाए चाहे अपने घर में लगाए चाहे अपने खेतों की बाड़ी में लगाए किसान का बेटा है या कहीं भी लगाए और उस बात की वो प्रतिज्ञा ले कि जो पेड़ हमने लगाया है उसको 3 वर्ष तक के जब तक महाविद्यालय में पढ़ता है जब तक वो उस पेड़ पौधे के अजता परिता समय अनिक्षा में आस पास रहता है तब तक वो एडॉप्ट करे और पेड़ को बड़ा करके उसको पूरी तरह से फलदार हो या छायादार हो पेड़ बनाने का पूरा प्रयास करें। इससे क्या होगा कि जो हमारे पेड़ कटते जा रहे हैं पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, भारत भी उसमें एक है, सरगुजा भी उसमें अभी आने की श्रेणी में है। तो आने वाले समय में जब पेड़ पौधे होंगे तो शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, पर्यावरण सुंदर होगा, डिग्रेडेशन कम होगा, क्षरण कम होगा और जो मानव की जो औसत आयु है जो धीरे धीरे कम हो रही है वह निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी।